हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिरोज। आज के नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ऐसा एक पंप बना के दिखाएंगे जो कि एकदम बिल्कुल फ्री में पानी निकलेगा, जिसके ना कोई मोटर लगेगा, ना कोई बिजली, कुछ भी नहीं लगेगा। ऑटो पंप बोलते हैं इसको, जिसको प्रेशर से पानी बाहर निकलाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा एक पंप बना के दिखाएंगे जिसका छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, आप लोग देख के ही समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको बना के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा 20 लीटर का टैंक है। तो इसके ऊपर हम एक होल करेंगे शोल्डर की मदद से। ये देखिए, छोटा सा होल करना है आपको। ये देखिए, ये होल हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम इस तरह का एक पाइप डाल देंगे और ग्लू लगा के चारों तरफ चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको एकदम अच्छी तरह चिपका देना है, ज़रा सा भी इसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए। तो एकदम फिनिशिंग करके आपको इस तरह से ग्लू लगा देना है। तो देखिए, ये ग्लू सूख चुका है। तो अब देखिए, अब इसके अंदर हम पानी भरेंगे, एकदम पूरा फुल करके पानी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये 20 लीटर का टैंक है। तो इसी तरह आपको पानी भर लेना है एकदम पूरा फुल करके। देखिए, ये फुल हो चुका है, ये एकदम फुल हो गया। तो इसे थोड़ा आपको कम करना है पानी, इतना ज़्यादा फुल नहीं करने का। तो अब हम इसको, इस पाइप को हम यहाँ लगा देंगे एकदम अच्छी तरह से, और इसके चारों तरफ भी हम ग्लू लगा देंगे, नहीं तो हवा जो है लीकेज हो सकता है। तो हम एकदम अच्छी तरह से ग्लू लगा देंगे चारों तरफ। आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी हवा नहीं जाना चाहिए अंदर। तो इस तरह से चारों तरफ लगा देना है आपको ग्लू। तो अब हम इसको टेप से, टेप की सहायता से एकदम अच्छी तरह लपेट देंगे, ताकि जो है हवा अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं रहता है। एकदम मजबूती से हम कर रहे हैं इसको। तो अब ये हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब ये तो कंप्लीट हो चुका है, ये ऊपर का जो हमने ढक्कन लगाया है। तो अब इसको हम एक टूल के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से टूल के ऊपर रखेंगे। तो अब इसका नीचे हम एक बाल्टी लेके आएंगे, जहाँ से पानी ये ऊपर जाएगा। ये देखिए, इस बाल्टी को इसके नीचे ही रखना है, यहाँ से पानी ऊपर तक जाएगा। जो हमने पाइप लगाया है वो इनपुट पाइप है, ये देखिए, जो ग्रीन पाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये इनपुट पाइप है, जहाँ इस बाल्टी से पानी ऊपर तक जाएंगे। और ये जो है, ये आउटपुट है, इस टैंक का आउटपुट है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले आपको प्रेशर जो है उसको बनाना पड़ेगा, तब जाके ये पानी बाहर निकल आएगी।
क्योंकि इसका जो आउटपुट है एकदम पतली सी है, होल्ड उसका जो पानी निकले का जो पानी निकालने का जो होल्ड है एकदम छोटा सा ही है, इसीलिए इतना प्रेशर नहीं आ पाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये पानी प्रेशर बनता है, किस तरह से पानी बाहर निकल आता है, हम कोशिश करते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पानी तो नहीं निकल रहा है, तो इसका जो प्रेशर अभी तक बना नहीं है। जब ये प्रेशर बन जाएगा तो एकदम पानी आराम से बाहर निकल आएगी। तो अब देखिए, क्योंकि पानी बाहर नहीं निकल रहा था तो हमने आउटपुट में हम एक लंबा सा पाइप डाल दिया, तब जाके इसका प्रेशर बन गया। तो अब देखिए ये पानी अपने आप ही ऊपर आ रहा है, बाल्टी से टैंक में आ रहा है और टैंक से वो बाहर निकल रहा है आउटपुट से, जो हमने जो पाइप लगाया है, सफ़ेद पाइप लगाया है जो बिजली के काम में आते हैं। तो उस पाइप को हम इस तरह से लंबा कर दिया, तब जाके इसका प्रेशर बन गया। तो आपको ध्यान रखना है जो आउटपुट पाइप है उसको थोड़ा लंबा ही करना है, क्योंकि जब पानी बाहर निकल आएगी तभी तो प्रेशर बन जाएगा, ऊपर टंकी के अंदर प्रेशर बनेगा। तो देखिए इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए, लेकिन जो आउटपुट का पाइप है पहले थोड़ा उसको मोटाई थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आखिर में जहाँ से पानी निकलेगा वहाँ एकदम पतली होना चाहिए। तो आप देखिए ये पानी ऊपर आ रहा है, अपने आप ही आ रहा है, इसका अंदर प्रेशर अभी बन गया, तो अब ये आराम से चलता रहेगा। जब तक बाल्टी के अंदर पानी ख़त्म नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, आपको समझने के लिए हम इस तरह सा छोटा सा बना के दिखाया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी बड़ा 50 लीटर पीवीसी टैंक में बना के दिखाएंगे आप लोगों को, और 200-250 लीटर जो टैंक है उसका भी बना हुआ है मेरे चैनल में, आप लोग देख लीजिएगा, तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा।